अच्छा, EMI में बहुत सारा मसला ये होता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ये शर्तें नहीं लगाएंगे तो लोग टाल मटोल करेंगे, EMI में से प्रोडक्ट ले लेंगे और क्या करेंगे, देंगे नहीं, इस वजह से शर्त लगाते हैं कि आप नहीं देंगे तो आप पे इजाफा करेंगे, नहीं देंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट छीन लेंगे हम, आप नहीं देंगे तो आपके जो किस्त है वो EMI है वो हम जब्त कर लेंगे। ये जो जितनी शर्तें लगाते हैं इस वजह से लगाते हैं ताकि जो है धोखा नहीं दे लोग। तो वो जो टाल मटोल होती है EMI देने में, EMI पे करने में, वो दो वजह से होती है। पहली वजह क्या है, पहली वजह है मोहताजगी। आदमी टाल मटोल जो करता है मोहताजगी की वजह से करता है, तंगदस्ती की वजह से करता है टाल मटोल। यानी आदमी अच्छा था, EMI ले लिया, उसकी जॉब अच्छी चल रही थी, उसकी सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता नहीं हो सकता, अब उसकी सैलरी रुक गई तो अब वो पे कर सकता, लेकिन एक दो महीने के बाद पे कर सकता, वो सही हो जाए, फिर से जॉब करना शुरू करे, फिर से उसकी सैलरी आए, फिर वो पे कर सकता है, तो मोहताजगी हो सकती। तो मोहताजगी की बुनियाद पर शरीयत ने हुक्म दिया है, सूरह बकरा आयत नंबर 280, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मोहताज को मोहल्लत दो, मोहताज को क्या करो, मोहल्लत दो। अगर कोई ऐसा है तो उसको मोहल्लत देना बड़ा अजर है, बड़ा सवाब का काम है। हदीस के अंदर आता, एक क़यामत में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब लेंगे तो एक बंदे के बारे में फरिश्ते कहेंगे कि ये तो जहन्नम ही, इसके पास कुछ है नहीं, जन्नत में जाने का कोई रीज़न ही नहीं है, इसके पास कोई आमाल अच्छे नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि देखो कुछ ना कुछ तो होगा, इसके पास जन्नत में जाने का कोई ना कोई तो सबब होगा। तो फरिश्ते बहुत देखने के बाद कहेंगे कि अल्लाह, इसके पास एक ही अच्छाई थी, वो ये थी कि लोगों को कर्ज देता था और जो नहीं दे सकते उनको मोहल्लत देता था, जो नहीं दे सकते, टाइम पे नहीं दे सकते, तंगदस्ती है, मोहताजगी है, तो उनको और मोहल्लत देता था और किसी को माफ़ भी कर देता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि इसकी एक अदा हमें पसंद आ गई, इसकी वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर दो। तो ये हदीस है, मुंतखब हदीस, एक हदीस के मुसनद किताब है, उसके अंदर ये हदीस है अखलाक के बाब में। इसी तरह हदीस की दूसरी किताबों में भी हदीस आई है, मुसनद रिवायत। तो मोहल्लत देना बड़ा अफजल अमल है। तो EMI अगर पे नहीं करें तो शरीयत कहती है कि मोहताजगी की वजह से है तो मोहल्लत दे दो, और अगर मोहताजगी की वजह से नहीं है, दूसरा होता है धोखा देने की नियत करना, एक प्रोडक्ट दे लिए, EMI पे नहीं कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट है फुल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और इस्तेमाल करके उसको ऐसा बना देते कि वो ना सेल हो सकती ना उसकी कीमत आती, होता ना ऐसा भी, जैसे कोई गाड़ी ले लिया और उसको इतना चलाया कि भाई उसकी कीमत ही ख़त्म हो गई, तो अब कंपनी वालों को नुकसान होगा, तो कंपनी वाले क्या करेंगे। तो उलमा ने लिखा है, बुखारी शरीफ की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 8, पेज नंबर 239, इसमें लिखा है कि अगर धोखा दही मालदार शख्स धोखा दे, EMI पे नहीं करे, तो मालदार के लिए उसका माल और उसकी आबरू कंपनी वालों के लिए हलाल हो जाती है। यानी वो ज़बरदस्ती जबर करके उसके ऊपर जोर डाल के और उसको कुछ तंबी करके ज़बरदस्ती उसके पास से EMI निकाल सकती है, ये जायज़ है। मुस्लिम शरीफ में, सुनन अबी दाऊद में यह हदीस, यही हदीस दो हदीस की किताबों में, सुनन अबी दाऊद वॉल्यूम नंबर 10, पेज नंबर 32, उसके अंदर भी ये तशरीह है कि अगर कोई EMI के तहत कोई सामान खरीदे और वो मालदार भी है, वो पे नहीं कर रहा, तो कंपनी को इजाज़त है, हुकूमत को इजाज़त है कि ज़बरदस्ती उसके पास से उसका माल ले। तो बहरहाल ये एक शक्ल है जिसकी बुनियाद पर जो है, यानी EMI अगर कोई पे नहीं कर रहा। दूसरी शक्ल उलमा ने ये भी लिखी है कि अगर कोई EMI पे नहीं कर रहा तो उसको यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, उसको फिर कभी कोई कंपनी किसी भी वक्त में उसको EMI पे कोई चीज़ ना दे, ये भी शक्ल है ताकि लोगों को इबरत हो
कि ऐसा नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये EMI का जो सिस्टम है, एक निज़ाम है, वो पूरा शरीयत के दायरे में आपके सामने आया है। तो ये आप याद रखें हमेशा, जब भी आपको कोई चीज़ परचेस करनी है तो देखें कि इस निज़ाम के तहत है, यानी शरायत के दायरे में जवाज के जो शरायत हैं, यानी EMI के जायज़ होने के जो तीन शरायत आपने सुने हैं, उन तीन शरायत के दायरे में वो EMI है, आप ले सकते हैं। वो तीन शरायत में से एक भी नहीं पाई जा रही, एक में से आधी भी नहीं पाई जा रही, तो नहीं ले सकते आप, वो EMI आपके लिए नुकसानदायक। अच्छा, इस वर्कशॉप की आखिरी बात ये है कि EMI की वजह से आदमी हमेशा परेशान रहता है। EMI ऐसा निज़ाम है जिसमें आदमी पढ़ता है ना, तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। आदमी के पास उतनी है नहीं गुंजाइश, लेकिन अपनी चादर से आगे पैर निकालने की कोशिश करता है। होता नहीं होता ऐसा, हमेशा कर्ज में मुबतला होता है। हमेशा आदमी सोचता है वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, क्या होता पे करते रहेंगे। हमारे एक उस्ताद है सद मोहतरम मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की मग़फ़िरत करें, वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में एक घर पे गए वो, तो देखा तो बहुत ज़बरदस्त मकान है, ज़बरदस्त सोफे हैं, ज़बरदस्त घर है, AC लगा हुआ है, गाड़ी है, बहुत कीमती चीज़ें देख के उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत मज़े में हो, तुम बहुत बेहतरीन चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें दी है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना कौन सा मज़ा, ये जो सोफ़ा है जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये 4 साल के बाद मेरा होने वाला है, ये जो AC देख रहे हैं आप, ये 3 साल के बाद मेरा होने वाला है, आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये 10 साल के बाद मेरी होने वाली है, ये जो घर देख रहे हैं आप ये 15 साल के बाद मेरा होने वाला है। तो मौलाना पूछे कि भाई बीवी तुम्हारी है नहीं, वो भी होने वाली है। तो ये EMI में ऐसी होता है, आदमी हमेशा जो है परेशानी रहता है, और यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है। और कर्ज़ जो है ना, कर्ज़ अच्छी चीज़ नहीं है। आदमी इस्लाम ने जो हुक्म दिया है कि पहले जमा करो उसके बाद खर्च करो, ये यानी आदमी फितरी चीज़ है, इसमें परेशान नहीं होता आदमी, आदमी को टेंशन्स नहीं आते, आदमी को बीमारियां नहीं आती। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त बीमार भी इस वजह से है कि वो EMI का एक टेंशन है उनको, हर महीना एक पे करना है, तो इतना टेंशन होता है जिसकी वजह से बीमारियाँ आ जाती हैं उसको। और शरीयत ने जो हुक्म दिया है कि कोई भी चीज़ आपको लेना है पहले जमा करो उसके बाद ख़रीदो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की अहलिया ने कहा कि मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं है तो नहीं, अहलिया ने कहा कि ठीक है जमा कर लेंगे, और पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा तंगी थी, तो उन्होंने महीना महीना थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करके, पैसे जमा करके चंद कई महीनों के बाद मीठा बनाया उन्होंने। तो उससे उलमा ने एक बात ये लिखी है कि कोई भी चीज़ आदमी को ख़रीदनी हो और वो खानी हो, कोई भी चीज़, कोई भी काम करना हो पैसों से, तो जमा करके करें। जमा करके करने में आसानी होती है, जमा करके आप कोई चीज़ ख़रीदें तो वो इत्मीनान होता है, वो अपनी होती हो। और अगर वो EMI सिस्टम में जाएंगे आप, तो ज़िंदगी भर हमेशा कर्ज़े में ही रहेंगे। और कर्ज़ा पहले ज़माने में बहुत मशहूर था कि मैं कर्ज़ा जो है दिन की ज़िल्लत और रात की बेसुकूनी, यानी कर्ज़े की वजह से दिन में जिसके पास से भी आप कर्ज़ा लिए हो उसके सामने जाएंगे तो बेइज्जती होगी, और रात में सुकून की नींद नहीं आती कि भाई देना है पैसे। तो ये EMI को बहुत आसान समझ रहे हैं, और EMI की वजह से हज़ारों लोग जो है इस वक्त परेशान भी हैं। तो इसलिए अगर आपकी हैसियत में है, यानी इतनी वो चीज़ आप ले सकते हैं, फ्यूचर में नहीं, अभी अभी आपके दूसरे सोर्सेस, इनकम सोर्सेस बंद हो जाए, तो अभी आपके पास इतना माल है कि वो पे करके ले सकते हैं, तो EMI सिस्टम में आप दाखिल हों, वरना आपके पास कुछ है नहीं। जैसे AC ख़रीद रहा आदमी, लेकिन उसके पास AC की मुकम्मल कीमत है भी, उसके पास 50,000 है, 40,000 है, वो ले सकता है, लेकिन दूसरे कामों में भी लगाना है उसको। अब ये सोच रहा कि भाई अगर
मेरी अचानक जॉब चली गई या फिर कुछ भी हो गया, मेरे पे हालात आ गए, तो मैं वहाँ से नहीं बल्कि घर पे रखे हुए पैसों से मैं ख़रीद सकता हूँ, तो उस वक्त तो वो EMI में दाखिल हो, वो ख़रीद लें। लेकिन किसी के पास कोई है नहीं, कोई इनकम यानी पहले से जमा नहीं है और उसके पास जो है एक ही ज़रिया है, अचानक वो बंद हो सकता है और फिर वो इंटरेस्ट में आ सकता है, तो इस सूरत में भी जो है वो EMI इख्तियार ना करें बल्कि जमा करें। जमा करके कोई भी चीज़ ख़रीदें तो वो अपनी भी होती है, उसकी क़दर भी होती है, उसकी हिफाजत भी करता है आदमी, उसको सही इख्तियार भी करता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त के EMI में आपके लिए नुकसान है, इसलिए EMI में आप कहीं ना कहीं इस वक्त के निज़ाम में सूद में पड़ने का भी अंदेशा है, आप कहीं ना कहीं वो आपको इंटरेस्ट में मुबतला कर देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तख़ीर की वजह से, कभी कभी सुस्ती की वजह से EMI पे नहीं होता। जैसे आपको लास्ट 3 दिन में पे करने की आप नियत करें, अचानक बैंक बंद हो गया, बैंक को 3 दिन छुट्टी मिल गई, तो आप जो है अगर ऐसा भी कोई सिस्टम हो जिसमें जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह है, ये लोग 0% इंटरेस्ट करें, लेकिन आप EMI पे नहीं करेंगे, तो आप वक्त पे एक दिन भी डिले करेंगे तो आपके अंदर यानी आपके EMI पे वो इंटरेस्ट लग जाता है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं EMI में आप सूद में मुबतला होंगे, इसलिए बेहतर ये है, शरीयत ने हुक्म दिया है बल्कि तरगीब दी है कि हर एक जमा करके अपनी जमा में से ज़रूरतें पूरी करें। ख्वाहिशात तो पूरी नहीं कर सकते कोई, ख्वाहिशात तो जन्नत में ही पूरी होगी, यहाँ पर ज़रूरतें पूरी होगी और ज़रूरतें पूरी करने का ज़रिया जमा करके करना है। ठीक है, समझ में ये बात।